हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकलीस मेंशन इक्वेशन। मैकलीस मेंशन इक्वेशन को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकलीस, उन्होंने सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन को डिराइव किया था। उन्हीं के नाम के बेस पे इस इक्वेशन को मैकलीस मेंशन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि एंजाइम प्लस सब्सट्रेट जो है, ठीक है, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट आगे चल के क्या बनाते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड स्टेट में होती है, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन क्या लिया जाता है, K1 लिया जाता है। एंड जब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड स्टेट में होती है, देखिए बैक का साइन है इसपे, ठीक है, बैकवर्ड के फॉर्म में होती है, बैकवर्ड स्टेट में होती है, तब इसे क्या कहा जाता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहा जाता है, K-1 लिया जाता है। ठीक है, एंड एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चल के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे K2 आगे चल के क्या बनाती है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो इस इक्वेशन को एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के यहां तक की प्रोसेस को उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में पहले दिया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, तो ड्यूरिंग इनिशियल इनिशियल स्टेट में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, एंजाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ ब्रेक डाउन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से क्या बनेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ कंसेंट्रेशन क्या है, क्या था, K1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, K1 ले लेंगे, एंड एंजाइम प्लस सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, ये इज इक्वल टू किसके होंगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड स्टेट में होगी, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से जब बैकवर्ड स्टेट में एंजाइम प्लस सब्सट्रेट बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, K-1, है ना, तो K-1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस मीन्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे K1 एंड इस साइड से K-1, ये दोनों कांस्टेंट ले लेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, K-1 अपॉन K1। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, कंसंट्रेशन ई इंटू कंसंट्रेशन एस अपॉन कंसंट्रेशन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हमको मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो K-1 है, K-1 अपॉन K1 है, ठीक है, ये किसके किसके इक्वल्स होते हैं, ये होते हैं के एस के इक्वल होते हैं। ठीक है, के एस को क्या कहा जाता है, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इट मींस K-1 अपॉन K1 की जगह हम क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, के एस लेंगे या के एस लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में K-1 अपॉन K1 की जगह हम क्या लेंगे, के एस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन ई एस, इट मीन्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, देन इसके बाद में जब टोटल एंजाइम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना टोटल एंजाइम लिया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल एंजाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, ई नोट से। यहाँ पे ये ई जीरो ना होके इसे क्या कहा जाता है, ई नोट कहा जाता है। ओके, देन तो टोटल एंजाइम जो है ई नोट, कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट ये किसके इज इक्वल हो जाएंगे, एंजाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो यहाँ से ई नोट जो है इस पे माइनस प्लस का साइन है। ठीक है, जब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट साइड में जब आता है, ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में चले जाएंगे, माइनस के फॉर्म, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा एंड ये वाला ई जो है वो बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई एस, हमको यहाँ से अपना सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है,
इससे हमको क्या मिल गया, हमको e की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमको क्या मिल गया यहाँ पे, हमको e की वैल्यू मिल गई, हमको e की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये जो e की वैल्यू है, e नोट माइनस ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब इस e की वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए e यहाँ पे है, ठीक है, e यहाँ पे है, इस e की जगह में हमको क्या लिखना है, e नोट माइनस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो के एस आया, यहाँ से यहाँ पे के एस कहाँ से आया, फर्स्ट वाले इक्वेशन से। के एस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनटू एस कहाँ से आया, अब एस आया फर्स्ट वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से आया, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का एस, ठीक है, कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन ई एस, ई एस भी कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, देन हम यहाँ देखते हैं के एस इज इक्वल टू, ये वही है, ठीक है, जो हमने अभी बनाया था, के एस इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई एस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एस है, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ एस है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, सबसे पहले ई नोट से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ई एस सॉरी के एस इज इक्वल टू एस का मल्टीप्लाई होगा ई नोट से। ठीक है, तो ई नोट इंटू एस माइनस ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस, ठीक है, अपॉन ई एस। ठीक है, देन के एस के एस, उसके बाद एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस ये जो माइनस के फॉर्म में था ये कहाँ चले जाएगा, ये जो माइनस के फॉर्म में है, ठीक है, ये नीचे वाला जो है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब ये, ठीक है, ये नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड ये जो माइनस में है, ठीक है, माइनस की साइन के बाद एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एस है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो के एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस प्लस एंजाइम सब्सट्रेट इंटू ई एस इज इक्वल टू ई नोट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, देखिए इन दोनों ही जगहों पे क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब ये दोनों जगह पे ये कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बाहर निकल जाएगा एंड के एस एंड एस, के एस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एस, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एंड इज इक्वल टू ई नोट कंसेंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, ये हमको यहाँ से ये आ गया, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ई नोट कंसेंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एस। ये हमको एक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इसके पहले की रिएक्शन होती है एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, ठीक है, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, जिससे क्या बनता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड जब एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से, ठीक है, आगे चल के क्या बनाता है, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन क्या होता है यहाँ पे, के टू, एंड आगे चल के वो क्या बनाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी है, ठीक है, टोटल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, ई वी नोट लेंगे, टोटल वेलोसिटी हम क्या लेंगे यहाँ पे, वी नोट इज इक्वल टू के टू। अब यहाँ पे के टू कैसे आया, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन ई एस हो जाएगा एंड रेट ऑफ कंसेंट्रेशन के टू, के टू कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ ई एस,
ठीक है, ए नोट इज इक्वल टू के टू ई नोट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट इन टू कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस एस। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया ई नोट एस अपॉन के एस प्लस एस, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये आया है अपना इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। ई एस की वैल्यू क्या है, ई नोट इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ई एस की जो वैल्यू है उसको हमने कहाँ पुट किया है, के टू, के टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस में हमने ई एस की जगह पे वो वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखिए किसी भी रेट की मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो सकती है, तो इसके लिए मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, वी मैक्स लिया, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट किया, वी मैक्स से डिनोट किया। एंड वी नोट वी मैक्स इज इक्वल टू के टू, वी मैक्स इज इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट, इस इक्वेशन को हमने क्या कहा, इक्वेशन फोर कहा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहां पे हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर इंटू थर्ड, ठीक है, फोर की जो वैल्यू है हम इक्वेशन थर्ड में पुट करने वाले हैं। तो इसके लिए फोर की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, वी मैक्स इज इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, फोर में हम थ्री की वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है, थ्री में हम फोर की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो वी नोट इज इक्वल टू, वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस एस, के एस प्लस एस। नाउ तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये जो इक्वेशन है ये कहां तक का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मैकलीस इक्वेशन है, इसे क्या कहा जाता है, मैकलीस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में नाउ ये मैकलीस का इक्वेशन था, देन इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, कौन आए, हेल्डन, हेल्डन नामक साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब उन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे किया, तो हम देखते हैं, उनका कहना था, इस साइंटिस्ट का कहना था कि जब एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से क्या बनता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेट में भी चलती है, बैकवर्ड स्टेट में भी चलती है, लेकिन उनका कहना ये था कि उस समय प्रोडक्ट का भी तो फॉर्मेशन होता है, जब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो आगे चल के प्रोडक्ट का भी तो फॉर्मेशन होता है, उनका कहना ये था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीजें सेम है, देखिए के वन की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, के वन, ये कहां से आएगा, के वन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू के माइनस वन, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एस के एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ई इन टू कंसंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू के माइनस वन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस के टू। अब के टू कहाँ से आया, ये के टू आता है, ये देखिए यहाँ पे एंजाइम प्लस सब्सट्रेट आगे चल के रेट ऑफ रिएक्शन के टू होगी, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहीं पे इनका थोड़ा सा डिफरेंस था, के वन कंसंट्रेशन ऑफ ई प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू, अब दोनों में ही ई एस है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, एंड के माइनस वन प्लस के टू अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ई इन टू कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू
के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन, यहां से के वन अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो के माइनस वन प्लस प्लस के टू अपॉन के वन को क्या कहा जाता है, इज इक्वल टू के एम। के एम क्या है, एम जो है वो है मैकलीस मेंशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे के वन माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन है, वहां पे हम क्या लेंगे, मैकलीस मेंशन कॉन्स्टेंट लेंगे, जो क्या है के वन है। कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू के एम। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन फाइव, ठीक है। अब देखते हैं टोटल एंजाइम। अब देखिए टोटल एंजाइम ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, ई नोट, ठीक है। तो ई नोट इज इक्वल टू एंजाइम कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई नोट इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई एस, ठीक है। ई नोट माइनस ई एस, ई नोट माइनस ई एस, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन सिक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सिक्स इंटू इक्वेशन फाइव, ठीक है। देन कंसेंट्रेशन ऑफ मैकेनिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस, ठीक है, अपॉन ई एस। देन इसके बाद में मैकेनिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एस का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ई नोट से होगा, एंड एस का मल्टीप्लाई किससे होगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से होगा, ठीक है। तो ई नोट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस अपॉन ई एस। अब यहाँ से ई एस जो है वो कहाँ चला जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एम मैकेनिस कॉन्स्टेंट के पास चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू ई नोट इंटू एस माइनस ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के एम प्लस, यहां से ये क्या था, माइनस के फॉर्म में था, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस, ठीक है। तो ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू एस इज इक्वल टू ई नोट इंटू एस, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में ही क्या है, ई एस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा एंड के एम प्लस एस यहाँ बचेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ई नोट इंटू एस, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ई एस इज इक्वल टू ई नोट इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेवन कहेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ई नोट हो सकती है, वी नोट हो सकती है। तो वी नोट इज इक्वल टू के टू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसे बोलेंगे हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कहलाएगा, अपना इक्वेशन एट कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ई एस। अब देखिए यहाँ पे जो ई एस है, ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू हमको पुट करनी है, इक्वेशन सेवन में जो वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ई एस की, उस वैल्यू को हम यहाँ ई एस की जगह पे लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू के टू ई नोट इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, ठीक है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू के टू ई नोट, ठीक है। अब के टू ई नोट हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, ठीक है। ये था हेल्डन का इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हेल्डन का इक्वेशन जो है वो प्रूव्ड होता है, ठीक है।